हमारी कोशिश थी कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो हम फिर से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे। बंधन भी अजीज है हमको और बहुजन समाज पार्टी भी अजीज है जी। हमारा मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराने का है। इस तरह से तो बड़ी नेशनल पार्टी डिसीजन मेकर होते हैं जो अपनी पार्टी के लिए डिसीजन लेते हैं या वोटिंग कराते हैं या जनता से राय लेते हैं। ये तो आपका अपना फैसला हो सकता था कि आप किसको सपोर्ट करें किसको नहीं सपोर्ट करें, तो इसमें एक बड़ा मसला ये भी आएगा क्योंकि उधर माजिद अली जी को टिकट हो गया है आपकी पार्टी से, बसपा से जो है माजिद अली जी को टिकट हो गया है, और आपको नहीं लगता कि ये त्रिकोणीय श्रृंखला कुछ इस तरह की बन गई जिसमें बीजेपी को फ़ायदा होना ही होना है। इधर से इमरान मसूद साहब पूरी कोशिश करेंगे और जहाँ तक अगर हम लोकसभा की बात करें सहारनपुर की, तो यहाँ से लगभग 7 से 8 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं। उसके अलावा भी जो पार्टी के सिंबल्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा जो ये मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं इनसे नहीं लगता कि छुटपुट नुकसान होकर भी एक बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं इस सीट को हो सकता है। लोकसभा नंबर 1 यानी के सहारनपुर से जो बड़ी शालीनता के साथ 5 साल लगातार अपने मुद्दे उठाते रहे अपनी लोकसभा के सहारनपुर के, और सहारनपुर के आवाम को जिनसे लगातार एक मोहब्बत एक गुंसियत बन गई थी, वह गद्दावर शख्सियत इस वक्त हमारे कैमरे के सामने हैं। जैसे कि आप तमाम लोगों के कमेंट्स थे कि उनकी राय आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश हमारी ये मुहिम, और सीधा लेके चलते हैं जनाब फजल रहमान साहब की तरफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ का। धन्यवाद रहमान साहब। एक पहला और अहम सवाल आपसे जो मेरा नहीं आप ही की सहारनपुर की जनता का सवाल है, पिछले 2 दिन से लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि जो आपने डिसीजन नहीं लिया दोबारा अपने जो है आवाम की आवाज़ उठाने सांसद में पसंद नहीं करी सदन में, ऐसा क्यों हुआ? देखिए पिछली मरतबा भी और इस मरतबा भी हमारी एक कोशिश थी कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में शामिल हो। पिछले 2019 में गठबंधन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का हुआ, उसका मतलब ये था कि एंटी बीजेपी जो वोट था वो सब एक जगह इकट्ठा था। कांग्रेस था, कांग्रेस का बहुत ज़्यादा आधार यूपी में नहीं है, तो इसलिए अपोजिशन के तमाम वोटर्स सिंपेथाइज़र एक जगह थे। तो हमने इरादा किया और उस इरादे में भाजपा को हराने में हम लोग कामयाब हुए। बिल्कुल। लेकिन इस मरतबा हमारी कोशिश थी कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो हम फिर से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई। तो इसलिए हमने ये बेहतर समझा कि हम इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएं, और जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता होगा वो चाहे इंडिया गठबंधन हो या बहुजन समाज पार्टी हो, हम उसका साथ देंगे। तो अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं और हो सकता है कि 10 तारीख के बाद हम कोई राय बनाए कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। सर क्षेत्र में एक सुबगुहार चल रही है, लोगों में कानाफूसी चल रही है कि कहीं ना कहीं आप जो है इंटरनल मजबूत हो चुके हैं, आप आश्वासन दे दिया है आपने कहीं ना कहीं जो है वो गठबंधन को, तो सर इसमें कितनी सत्यता है? देखिए सही मायनों में गठबंधन भी अजीज है हमको और बहुजन समाज पार्टी भी अजीज है जी। हमारा मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराने का है और अभी वो मौका नहीं है कि हम कोई फैसला ले सकें। उम्मीद करते हैं कि 10 तारीख के बाद 11-12 तारीख में कोई फैसला लें, लोगों की राय जानकर जो हमसे हमदर्दी रखते हैं, जो हमारी आवाम है इस लोकसभा की, उससे मशवरा करने के बाद हम कोई फैसला लें कि हम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराएं। इस तरह से तो बड़ी नेशनल पार्टी डिसीजन मेकर होते हैं जो अपनी पार्टी के लिए डिसीजन लेते हैं या वोटिंग कराते हैं या जनता से राय लेते हैं। ये तो आपका अपना फैसला हो सकता था कि आप किसको सपोर्ट करें किसको नहीं सपोर्ट करें, तो इसमें क्या असर भेद है? ये एक अजीब बात है। असल में हमने हमेशा जी अपने लिए राजनीति नहीं की, फ़िरका परस्ती को मिटाने के लिए, फ़िरका परस्ती
फ़िरका परस्त लोगों को हराने के लिए हमेशा हमने जद्दोजहद की और वो जद्दोजहद आज भी हमारी जारी है। और हम इस बात की परवाह किए बगैर कि भाई कौन पार्टी के लोग हमसे नाराज़ होंगे, हम इस कोशिश में आए कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएं। अच्छा सर, इसमें एक बड़ा मसला ये भी आएगा क्योंकि उधर माजिद अली जी को टिकट हो गया है आपकी पार्टी से, बसपा से जो माजिद अली जी को टिकट हो गया है, और आपको नहीं लगता कि ये त्रिकोणीय श्रृंखला कुछ इस तरह की बन गई जिसमें बीजेपी को फ़ायदा होना ही होना है? इधर से इमरान मसूद साहब पूरी कोशिश करेंगे, और जहाँ तक अगर हम लोकसभा की बात करें सहारनपुर की, तो यहाँ से लगभग 7 से 8 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं। उसके अलावा भी जो पार्टी के सिंबल्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा जो ये मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं, इनसे नहीं लगता कि छुटपुट नुकसान होकर भी एक बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं इस सीट को हो सकता है? देखिए, जो अभी जिस बात की तरफ आपने इशारा किया है वो वाकई दुखद है, उससे तकलीफ़ पहुंच रही है। सिर्फ बात मुस्लिम कैंडिडेट की नहीं है, बल्कि और जो हमारे भाई हैं गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी मैदान में हैं। वो भी जाहिर सी बात है कि जब किस्मत आजमाई कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो भाजपा की मुखालफत में। सर, एक ही कैंडिडेट है बस गैर मुस्लिम, कोई बात नहीं, दो के टिकट वापस हो गए। चलिए, वो मैटर हिंदू मुस्लिम का नहीं, बात यह है कि फ़िरका परस्त लोगों को हराने के लिए कितने लोग की कोशिशें हो रही हैं, बात उन पर की जाए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो। अगर मुसलमान भी सेकुलर वोट काटने का काम कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है, वो भी गलत है, और अगर गैर मुस्लिम भी सेकुलर वोट को बांटने का काम कर रहा है वो भी गलत है। अल्टीमेटली है कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है या इसके लोग हैं वो सब इस संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं और हम उसके बचाने का काम करेंगे। तो सर, इसको क्या माना जाए कि लगभग मन बना लिया है बसपा को त्यागने का, क्या इसको कहा जा सकता है? नहीं नहीं, ये कोई इस तरह का आप सवाल ना करें। कुल मिला के पहला हमारा नसबुल ऐन है भारतीय जनता पार्टी को फिरका परस्त लोगों को हराने का। अच्छा, ताकि हम अपने मुल्क को बचाएं, अपने संविधान को बचाएं। यानी कि इसमें अभी कोई पार्टी छोड़ने का कोई निर्णय नहीं है, कोई जहन में बात नहीं है? देखिए, जिस तरह के लोगों के अंदर एक चर्चाएं चल रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है, इसीलिए बहुत सारी क्लैरिटी और बहुत तीखे सवाल भी और तमाम जनता के सवाल भी डायरेक्ट जो है वो सांसद साहब से जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश है हमारी, और बिल्कुल बिना किसी कट पेस्ट के तमाम चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। सर, एक आखिरी और अहम सवाल, तो आपने बताया कि किस तरह का आपका रुख रहेगा, उसके लिए भी और इंतज़ार करना बाकी है सहारनपुर की जनता को, सहारनपुर की आवाम को, आपके अपने लोगों को, अगर कहा जाए, क्योंकि बहुत जिस तरह से हम 2 दिन से लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार लोगों के अंदर एक मायूसी भी है, तो उस मायूसी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को उम्मीद थी कि फिर से कहीं ना कहीं एक बार आपको अपना प्रतिनिधि देखें वो अपने क्षेत्र का, अपने इलाके का, अपने सहारनपुर का, लेकिन आपने एक बड़ा डिसीज़न लिया है पूरे देश को देखते हुए, पूरे मुल्क की गंभीरता को देखते हुए, लेकिन क्या उनको कहना चाहेंगे जिनके चेहरे पे मायूसी है, जिनके जो आपके फ़ैन हैं, यहाँ से लेके हम बनेड़ा तक हमने कवरेज किया, बहुत दूर दराज तक भी आपकी बड़ी ख्याति रही है, उन लोगों के लिए एक मैसेज सर? सबसे पहले ये तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं जी, या जो मेरे हमदर्द हैं जी। मैं इसके अलावा उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने पिछले इलेक्शन में मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस मर्तबा वो मेरा साथ देने के लिए तैयार थे जी जी जी। लेकिन माहौल इस तरह का बना कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर हम सब लोग अलग अलग लड़ेंगे तो हम उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। सीधा सीधा है ये है कि हम सब लोग जो सेकुलर लोग हैं वो एक साथ एक जगह जमाएं और एक साथ वोट करें। ठीक है, ये पार्टी हैं, पार्टी कभी कभी उनकी अपनी मजबूरी होती हैं, उनके कैंडिडेट भी आते हैं अलग अलग, लेकिन आवाम जो वोटर हैं वो फैसला ले सकता है किसी एक के साथ जाने का, और मैं समझता हूँ कि ये फैसला हमारे यहाँ का आवाम लेगा और वो एक तरफ जाकर किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा, उसमें हम सब लोगों की भलाई है। एक सर अहम सवाल ये है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से
विपक्ष के, अगर हम बात करें कांग्रेस के, जब बड़े अकाउंट फ्रीज हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की अगर बात करें तो इनके ऊपर जो है वो 23 करोड़ रुपए का जो है वो चार्ज लगा दिया जाता है, तो इन तमाम हालातों में सर कैसे देख रहे हैं आप, कि क्या लग रहा है इस बार का चुनाव कि किस तरह का है? देखिए, अभी जो आपने बातें बताई कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एक ख़ास पार्टी के हक में ज़्यादा जा रहा है, या ये कि कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट्स हैं उसको फ्रीज़ किया जा रहा है, या अपोजिशन के लोगों को या मुखालिफ लोगों के यहाँ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वालों को भेजा जा रहा है और उसके ज़रिए फिर ये उगाही की जा रही है, ये सही मायनों में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी हो रही है। लेकिन इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं, हमारे सामने पिछली मिसालें हैं कि जब आवाम को डराने का काम किया गया, लोगों को ऊपर ज़्यादतियाँ की, लेकिन जब मौका आया तो उन्होंने उन लोगों को घर बिठाने का काम किया, और मुझे लगता है मुझे लगता है कि आने वाला इलेक्शन भी इसी बात को साबित करेगा कि हिंदुस्तान का आवाम जमहूरियत पसंद है, और एक मर्तबा वो किसी के बहकाए में तो आ सकता है लेकिन वो लगातार उसके साथ नहीं जा सकता, तो मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जाएगी और इनको सत्ता से बेदखल करेगी, और जो जमहूरियत नवाज़ लोग हैं उनकी जीत होगी। चलिए, देखिए बिल्कुल पुरजोर तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं सांसद फजलुर रहमान साहब ने अपनी बात रखी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के कोने कोने तक एक एक हमारा व्यूअर्स, एक एक हमारा जो है वो इन बातों को पहुँचाएगा। मैं सहारनपुर ही नहीं, देश के हर कोने तक, हर मोबाइल तक पहुँचाने की आपकी जिम्मेदारी। कैमरा पर्सन शुएब आलम के साथ मैं फुरकान, सहारनपुर।